हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 इन 2.2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी। और ये जो एक्सरसाइज 2.3 है ये पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और जो नीचे की साइड होती है उसको हम बोलते हैं बे, और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर्स होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसको कैसे राइट करेंगे हम, जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर्स ऑफ बेस। तो इन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। हाइपोटेनस क्या है आपकी एसी है, तो आप इसको एसी भी मार्क कर सकते हैं कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इस जो आगे के सम है वो इसी पे बेस्ड है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो नीचे की साइड होती है बेस, और जो ऊपर की साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। पेज नंबर 27 है ये आपका। पेज नंबर 27 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वेदर एंड ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन लेंथ बी अ राइट एंगल ट्राइंगल्स और नॉट। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो स्लैंट दे रखी है इससे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो पहले की जैसा हमने ये फॉर्म करा था कि ट्राइंगल है कि नहीं, तो ऑनली ट्राइंगल्स के बेस पे हमने तीनों एंगल गिवन थे, बट अब उनको साइड गिवन है तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट इज 15, 8, 17। राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं ये कंसेप्ट हमको फॉलो करने के लिए इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 15, 8 और 17। तो ये आप बीगर साइड है इसको पहले ले लेंगे। बीगर साइड को हम ले लिया उसका स्क्वायर करेंगे पहले 17। बीगर साइड क्या आपकी 17, तो 17 का स्क्वायर करा हमने। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 17। इसका आंसर कितना आएगा आपको 17 का मल्टीप्लाई करके देखना है। आई थिंक 289 आएगा, 7 7 49, 4 केरी। स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64।
जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी आ रहा है आपका 289। अब आप देखो कि जो बिगर साइड थी 17 लेंथ थी, उसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कैसे आ रहे, इक्वल आ रहे। तो आप क्या बोल सकते हो कि 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तो आप क्या लिख दोगे, द गिवन लेंथ ऑफ लेंथ बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज देयरफॉर द गिवन लेंथ बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी करा था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे आप शो कर सकते हैं कि यह राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए जो हाइपोटेनस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन सी साइड होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब उसके बाद में यहां लिख देना, ये निकालने के बाद यूजिंग पीजीटी, उसको पाइथागोरस थ्योरम भी हम बोलते हैं। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो भी मैं करके बता देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 3.4.5, अब इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 5 है। तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अलग से करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 4 16, इन दोनों को प्लस करा कितना आया 25। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी आप लिख देना कि LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल है। तो सो दैट गिवन, सो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, उसके बाद ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको करना है। 3 points ए बी सी आर कोलिनियर एंड शो द फिगर बिलो, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ नॉट वाई। मतलब अगर आपको 3 points दे दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे दिया 3 points दे दिए, ए एक बी और ए सी, ए बी एंड सी। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में ड्रॉ होते हैं तो आप क्या इससे ट्राइंगल बना सकते हो, नहीं बना सकते। इफ नॉट वाई, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्राइंगल मार्क करना है तो उसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। कैसे पॉइंट होने चाहिए, उसके नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो ही हम उसमें क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसका ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो रीजन में क्या लिखोगे इसका आंसर, नो। सबसे पहले तो क्या जाएगा आंसर, नो। एस ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड by three non collinear point, मतलब ट्राइंगल नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनेगा, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो उससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ओके, बाकी इसके लॉन्ग आंसर टाइप आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नहीं करना है। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर सेकंड था ये कंप्लीट हो गया है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।